नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बेशक विश्व कप शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन विश्व कप का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग अपने फेवरेट टीम पर दाव लगाने लगे हैं। क्रिकेट पंडित 2019 के विश्व कप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड को कप के दावेदार मान रहे हैं, लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से भारतीय टीम का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। ज्योतिष भविष्यवाणी के मुताबिक इस बार विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 बार विश्व कप पर कब्जा कर चुके ऑस्ट्रेलिया जहां मजबूत मानी जा रही है, तो वहीं क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले इंग्लैंड ने आज तक एक भी बार विश्व कप नहीं जीता है। आपको बता दें कि ज्योतिष की भविष्यवाणी सभी कप्तानों की कुंडली के आधार पर की गई है। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक जिन कप्तानों की जन्म कुंडली में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो मजबूत हैं, उन्हीं के पास वर्ल्ड कप जीतने का मजबूत मौका है। गणना के मुताबिक इस बार विश्व विजेता बनने का ताज उसी कप्तान की टीम पर सजेगा जो साल 1985 से 87 तक के बीच जन्मा हो। इस काल में जन्मे लोगों के लिए यूरेनस और नेपच्यून सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह हैं, जो उनके भाग्य को चमकाने में मददगार होंगे। इस गणना के मुताबिक इन कप्तानों में ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच, इंग्लैंड के इयान मॉर्गन और पाकिस्तान के सरफराज अहमद हैं। हालांकि ज्योतिष सरफराज को यहां जीत का हकदार नहीं मान रहे। इसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबला खेले जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ज्योतिष भविष्यवाणी के मुताबिक टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में निश्चित तौर पर सेमीफाइनल तक का सफर तो तय करेगी ही, लेकिन इसे आगे जा पाना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर ज्योतिषी का मानना है कि अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ही जीत दर्ज करेगी। ज्योतिष के हिसाब से केवल एक तरह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप विजेता बन सकती है, लेकिन ये असंभव सी बात है। ज्योतिष के मुताबिक ये तभी संभव है जब 1988 में जन्मे विराट कोहली दुर्भाग्य से चोटिल हो जाएं और उनकी जगह टीम इंडिया की कमान 1987 में जन्मे रोहित शर्मा संभाले।